सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ का साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ कि मैटर क्या होता है, फिर हम लोग मैटर का नेचर कैसा होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, वो तो हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। ठीक है, तो मैटर मतलब क्या होता है, एनी थिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, कोई भी चीज़ जिसके पास क्या होना चाहिए, मास और वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि वो स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए। ठीक है, सो एनी थिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। इस दुनिया में आपको वो कोई भी चीज़ जिसके पास मास है और वो कुछ जगह को घेरता है, चाहे वो लोहा हो, लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, कुछ भी हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो हमारा, चाहे कॉपी हो, बुक हो, कुछ भी हो, जिसके पास मास है तथा कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, दैट इज़ नोन एज मैटर। उसको हम लोग मैटर बोलते हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आर देयर एनी सिमिलरिटीज बिटवीन लाइट एंड आयरन नेल एंड साउंड ऑफ ढोलक, चेयर एंड टेबल्स, स्माइल, स्टीम एट्सेट्रा। यहाँ पर आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या लाइट में, लोहे के किल में, ढोलक के साउंड में, चेयर में, टेबल में, आपके स्माइल में, पानी को गर्म करते हैं जो स्टीम निकलता है उसमें, क्या इन सब में सिमिलरिटीज़ है क्या? आंसर है नहीं, इनमें सिमिलरिटीज़ जो है नहीं है। व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन देम एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस। अब हमसे पूछ रहा है कि इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, जो जिनमें सिमिलरिटीज़ हैं उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनमें सिमिलरिटीज़ जो हैं नहीं हैं, ये आपको बताना है। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। अब एक एक्टिविटी को करके हम लोग समझेंगे कि इनमें क्या सही है, क्या 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 सिमिलरिटीज़ हैं और क्या इनमें क्या हैं डिफरेंसेस हैं। सो पहला एक्टिविटी हम लोग करते हैं, टेक अ ट्रफ और बकेट एंड फिल इट 3/4 विथ वाटर। हमें क्या करना है, एक बकेट को लेना है और उस बकेट का जो भी वॉल्यूम है उसके 3/4 में से, मतलब फोर्थ पार्ट में से तीन पार्ट को क्या करना है, हमें वाटर से जो है फिल कर देना है। नाउ टेक अ ग्लास और ग्लास बीकर, टर्न इट अपसाइड डाउन एंड प्लेस इट इन अ वाटर एज शोन इन फिगर। तो पहले तो आपको एक बकेट को लेना है, एक ट्रफ को लेना है, इसके ऊपर में आपको क्या करना है, कांच का जो बीकर है ग्लास का, उसको उल्टा इस तरीके से क्या करना है, रख देना है। डज द इंटायर बीकर गेट फिल्ड विथ वाटर। आपसे पूछ रहा है कि ये जो बीकर आपने लिया, जिसको आपने इसमें उल्टा करके डाला, क्या इस बकर में पूरा का पूरा पानी भर पाया क्या? आंसर है कभी नहीं भरेगा। ठीक है, ये कुछ यहाँ तक भर पाया होगा पानी, बाकी इधर वाला पूरा का पूरा क्या होगा, खाली होगा। ठीक है, आप लोग इसको घर में भी करके देख सकते हो, कोई बहुत बड़ा एक्टिविटी नहीं है। आपको एक बड़ा सा बाल्टी लेना है, उस बाल्टी का 3/4 हिस्सा को पानी से भर देना है, और फिर एक छोटा सा आप कांच का, अगर आपके पास नहीं है तो आप कांच से क्या होगा कि आप उसको देख सकते हो, तो कांच का अगर आपके पास कोई ग्लास या कोई चीज़ है तो आपको उसको उल्टा उसके ऊपर में ले जाकर क्या करना है, रखना है। इज द बीकर एम्प्टी। यस, बीकर का बहुत सारा पोर्शन क्या है, एम्प्टी है। क्यों एम्प्टी होगा, उसका रीजन ढूंढते हैं। नाउ शाइन लाइट ऑन द बीकर यूजिंग अ लेजर टॉर्च। नॉट लेजर टॉर्च बीम कैन हार्म यूर आईज, सो यूज इट ओनली अंडर योर टीचर्स गाइडेंस। अब आपको एक काम तो आपने कर लिया, दूसरा काम आपको क्या करना है, एक लेजर लाइट जो आता है उस लेजर लाइट को आपको क्या करना है, इस कांच के ऊपर में जो है डालना है। अब ये जो लेजर लाइट जो होता है ये थोड़ा हार्मफुल होता है, अगर आपके आँख में अगर चला गया तो ये आपके आईज को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट अगर स्कूल में कर रहे हैं तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ करिए, और अगर घर में कर रहे हैं तो देख करिए एकदम सावधानी पूर्वक कि लेजर लाइट किसी के आँख में ना पड़ पाए। ठीक है, आर द लाइट बीम्स एबल टू इंटर द गो इनसाइड द बीकर। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या लाइट बीकर के अंदर जा पाया क्या, तो आंसर है यस, लाइट जो है बीकर के अंदर चला जाएगा। अब इसका कंक्लूजन समझते हैं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई लाइट इज एबल टू इंटर द बीकर। अब इसका आंसर है यस, इसका आंसर क्या है, यस। ठीक है, बीकर भी खाली है और लाइट जो है इसके अंदर में चला गया। अब इसका कारण क्या है, देखो, वाई लाइट वॉज एबल टू इंटर द बीकर बट वाटर कुड नॉट। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि उस बीकर के अंदर में लाइट तो चला गया लेकिन पानी नहीं जा पाया, इसका रीजन क्या है। वॉट इज देयर इनसाइड द बीकर दैट स्टॉप्स वाटर फ्रॉम गेटिंग इनसाइड। तो ऐसा क्या चीज है जो पानी को बीकर के अंदर जाने से रोक दिया जबकि लाइट को नहीं रोक पाया।
वी नो दैट दैट एयर वाटर चेयर टेबल एटसेट्रा ऑक्यूपाई स्पेसेस. अब हमें मालूम है कि चाहे एयर हो चाहे वाटर हो चाहे टेबल हो चाहे चेयर हो ये सब स्पेसेस क्या करते हैं ऑक्यूपाई करते हैं. वाटर कुड नॉट इंटर द बीकर बिकॉज एयर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन इट. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस इनसाइड द बीकर. अब बीकर में पूरा पानी नहीं जा पाने का कारण क्या है क्योंकि बीकर के ये वाला पोर्शन में पहले से ही क्या था एयर था. तो ये एयर क्या किया एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो ये एयर पानी को और ऊपर आने नहीं दिया क्योंकि इतना बड़े एरिया पे वो ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था. तो बीकर पानी क्यों नहीं भर पाया उसका रीजन समझ में आए क्योंकि अंदर वाले हिस्से में एयर था. एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो जितने जगह पर पानी नहीं पहुंच पाया मतलब उतने एरिया पर कौन ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है एयर बैठा हुआ है. अब हम लोग आगे समझते हैं. यू मस्ट हैव नोटिस दैट बॉटल फिल्ड विथ वाटर इज हेवियर देन एन एम्प्टी वाटर. अब आपको मालूम है कि अगर मैं आपको दो बॉटल दे दूं एक बॉटल में पानी नहीं भरा हुआ है और दूसरे बॉटल में पूरा पानी भरा है तो कौन सा हैवी होगा. आप आराम से बता सकते हो जिसमें पानी भरा है वो क्या होगा हैवी होगा और जो एम्प्टी बॉटल होगा वो क्या होगा लाइट होगा. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट्स मास. अब जो है यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट जो होता है ना वो वेट किसके कारण से होता है उसके मास के कारण से जो है होता है. द ऑब्जेक्ट्स डिस्क्राइब अबव सच एज आयरन नेल टेबल चेयर स्टीम ऑक्यूपाई स्पेसेस एंड हैव मास. जितनी भी ऊपर में हमसे बातें पूछी गई थी जैसे आयरन नेल हो गया टेबल हो गया चेयर हो गया स्टीम हो गया ये सब के पास मास और ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. वेयर एज लाइट द साउंड ऑफ ढोलक स्माइल एटसेट्रा नेदर हैव मास नॉर ऑक्यूपाई स्पेसेस. आपने कभी सुना है क्या कि मेरा स्माइल जो है 4 किलो का है इतना बड़ा जगह घेरता है कभी नहीं. ठीक है ढोलक का जो साउंड है वो भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता जो लाइट है वो भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता. ठीक है अब उसके बाद आगे देखो. सिंस लाइट डज नॉट नीड स्पेस इट इज एबल टू एंटर द बीकर. अच्छा बीकर में लाइट क्यों चला गया क्योंकि लाइट को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कहीं भी घुसने के लिए उसको जगह घेरने की जरूरत जो है नहीं पड़ती है. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. वही डेफिनेशन यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी चीज जिसके पास मास होता है और जिसके पास स्पेस ऑक्यूपाई करने की प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मैटर बोलते हैं. सिंस लाइट द साउंड ऑफ ढोलक स्माइल डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी देयर फॉर दे आर नॉट मैटर. तो हमारा स्माइल हो गया ढोलक का साउंड हो गया ठीक है लाइट हो गया ये सब स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते दैट्स वाई इनको हम लोग मैटर जो है नहीं बोलते हैं. नाउ कैन यू टेल अमंग एयर वाटर एंड लाइट विच कैन बी कॉल्ड मैटर. अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एयर में वाटर में लाइट में किसको हम लोग मैटर बोलेंगे. तो आंसर है एयर को हम लोग मैटर बोलेंगे और किसको बोलेंगे वाटर को बोलेंगे. लाइट को हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि लाइट स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. फिर से एक चीज और आपको बता दे रहा हूँ जो एक्सपेरिमेंट हमने किया उसके बीकर में पूरे हिस्से में पानी क्यों नहीं जा पाया तो उसका रीजन है कि बीकर के अंदर में जो है क्या था एयर था और एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है दैट्स वाई पानी पूरा फिलअप नहीं हो पाया. लाइट क्यों बीकर के अंदर चला गया तो उसका रीजन यह है कि लाइट को स्पेस कर या स्पेस या मास की जरूरत नहीं पड़ती है वो बिना स्पेस बिना मास के और स्पेस के कहीं पर भी ट्रेवल कर सकता है इसीलिए वो बीकर के अंदर जो है क्या हुआ चला गया. ठीक है चलो अब आगे देखते हैं. कंजर्वेशन ऑफ मैटर. कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या होता है यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें समझाना चाहूँगा जो आप छोटे क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे. ठीक है एक है केमिस्ट्री में बार बार यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट और दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं. ठीक है तो रिएक्टेंट क्या होता है वो सारी चीज़ें जो किसी रिएक्शन में क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है ऑल द सब्सटेंस विच आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई चीज़ पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिएक्टेंट. और ये सारे रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने से जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोडक्ट. जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे रिएक्टेंट कहलाएंगे. और ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा का पूरा क्या कहलाएगा प्रोडक्ट कहलाएगा. इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. चलो इफ वी लुक एट मैटर अराउंड अस वी सी दैट इट अंडरगो सम चेंजेस.
वी कैन आइडेंटिफाई दिस लुकिंग फॉर चेंजेस इन कलर और स्मेल ऑर्डर और इन स्टेट। अब देखो हमारे आसपास के जितनी भी मैटर्स जो होते हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। जो चीज़ जैसा है वो लाखों सालों तक, हजारों सालों तक, कई सालों तक वैसा होगा कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। और ये चेंजेस हमें कैसे पता चलते हैं, या तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, या तो उसका स्मेल चेंज हो जाएगा, या तो उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा, सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस हो जाएगा, गैस है तो कुछ और बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस जो है उसमें होते रहते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल। व्हेन वी लाइट अ कैंडल इट बर्न्स डाउन कम्प्लीटली आफ्टर सम टाइम। जब हम लोग एक कैंडल को जलाते हैं और कैंडल को जलाने के बाद कुछ देर बाद वो कैंडल पूरा का पूरा जल कर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। थिंक व्हाट हैज़ हैपन टू द कॉम्पोनेंट दैट इज वैक्स एंड वीक ऑफ द कैंडल। अब कैंडल जल कर ख़त्म तो हो गया, लेकिन उसका जो वैक्स था और उसका जो वीक था उसका क्या हुआ। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट दे गेट यूज अप और डिस्ट्रॉयड इन द बर्निंग प्रोसेस। तो पहले यह सोचा जाता था कि उसका जो वैक्स है और उसका जो वीक है वो कैंडल को जब हम लोग जलाते हैं तो उस जलाने के प्रोसेस में वो यूज हो गया या तो वो डिस्ट्रॉय हो गया, पहले स्टार्टिंग में ये माना जाता था। लेटर अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू अंडरस्टैंड द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड वी रियलाइज दैट इट इज अ केमिकल प्रोसेस वेयर ऑक्सीजन इज ऑल्सो इन्वॉल्व अलॉन्ग विथ दिस वैक्स। बाद में और एक्सपेरिमेंट को करने के बाद, स्टडी को करने के बाद हमें यह पता चला कि जब कैंडल बर्न हो रहा था तो उस समय वैक्स के साथ एक और कंपोनेंट जो उसमें पार्टिसिपेट किया था और उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन, जो उस वैक्स के साथ क्या था, इन्वॉल्व था। ड्यूरिंग द प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट। और जब कैंडल का वैक्स और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए, जिसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, जब उन्होंने आपस में रिएक्शन को कंप्लीट किया तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर के कुछ वेपर्स मिले। बट दिस वॉज नॉट नोन टिल वी लर्न टू आइडेंटिफाई द गैसेज बींग यूज और प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन। ये हमें तब तक मालूम नहीं पता था कि कार्बन डाइऑक्साइड बना है करके हम लोग ये सोचते थे कि कैंडल जल गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि गैस तो दिखता नहीं है, तो हमें लगता था कि कैंडल के जलने के बाद कुछ नहीं बना है, जबकि एक्चुअल में वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता था। लेकिन जब हमें गैस के बारे में नॉलेज हुआ, गैस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये नॉलेज हुआ, तब हम लोग ये भी पता कर लिए कि वो जो गैस जो बनता है उसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। व्हेन द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स वॉज डिटरमाइंड इट वॉज फाउंड टू बी इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। और बाद में जब हम लोग और स्टडी कर लिए तो जितना हमने वैक्स यूज किया था, जितना हमने ऑक्सीजन यूज किया था, मतलब रिएक्टेंट का जो मास था, रिएक्टेंट का जो भी मास रहा होगा उस मास को हम लोग मेजर कर ले। जैसे कि मान लेते हैं वैक्स और ऑक्सीजन को मास को मिलाकर दोनों कितने ग्राम के थे, 40 ग्राम के थे। तो उसके बाद हमने जब स्टडी करके देखा तो रिएक्टेंट हमें क्या मिला था, CO2 मिला था और वाटर के वेपर मिले थे। इन दोनों के मास को भी फिर हमने नापा ना साइंटिफिक तरीके से, हमें क्या मिला, 40 ग्राम ही मिला। और इसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का जो भी मास होता है, चाहे वो रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में हो, किसी भी स्टेट में हो, उसका जो भी मास होता है उतना ही मास किसका होता है, जो उनमें बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के मास के बराबर ही जो है क्या होता है, होता है। इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है हम लोग इसको बोलते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इट बिकेम क्लियर दैट द रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट एंड नॉट डिस्ट्रॉय। और बाद में फिर हमें पता चला कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, बल्कि कुछ ना कुछ वो प्रोडक्ट जो है बनाते ही हैं। भले ही वो प्रोडक्ट हमें खुली आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन प्रोडक्ट जरूर बनता है, ठीक है। चलो एक हम लोग यहाँ पर एक और क्या बोलते हैं, एक्टिविटी करके देखते हैं। एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो, पुट 10 ml हॉट मिल्क इन अ क्लीन इंजेक्शन बॉटल एंड पुट द कैप बैक ऑन द बॉटल। हमें क्या करना है, हमें 10 ml जो है गरम दूध लेना है और उसको जो इंजेक्शन वाला जो बॉटल होता है उसमें हमें क्या करना है, रखना है और उसके ढक्कन को लगा देना है। टेक 2 ml लेमन जूस इन एन इंजेक्शन सिरिंग। अब हमारे पास जो इंजेक्शन सिरिंग है उसमें हम लोगों को क्या करना है, 2 ml जो है नींबू के रस को जो है ले लेना है।
2 ml ये होगा और 10 ml ये क्या होगा, वाटर जो है ये जो मिल्क है वो होगा। इंसर्ट द सिरिंज इन द कैप ऑफ द इंजेक्शन बॉटल एज शोन इन फिगर, वेट द अरेंजमेंट, मेक श्योर देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द मिल्क एंड द लेमन जूस। अब आपको इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को, ये जो बॉटल है, ये जो सिरिंज है, और ये जो मिल्क है, और ये जो लेमन जूस है, इस पूरे को हम लोग अपने वेट मशीन से क्या करेंगे, नाप लेंगे। बस हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसका निडिल और इस दूध का आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। नाउ प्रेस द इंजेक्शन पिस्टन स्लोली सो दैट द लेमन जूस फॉल ड्रॉप बाई ड्रॉप इन टू द मिल्क। अब हम लोगों को क्या करना है, धीरे धीरे सिरिंज के पिस्टन को प्रेस करते जाएंगे ताकि बूंद बूंद यहां से क्या हो, लेमन जूस इसमें गिरता रहे। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द मिल्क इन द बॉटल, डू यू थिंक अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, नाउ अगेन वेट द इंटायर अरेंजमेंट एंड नोट द वेट। अब हमें क्या करना है, पहली बार हम लोग जितना वेट नापे थे, जैसे 10 ml हमारा दूध का था, 2 ml लेमन जूस का था, 12 हो गया। मान लेते हैं बॉटल का वेट जो है 5 था, तो कितना हो गया, 17 हो गया। इंजेक्शन का वेट मान लेते हैं 3 ग्राम था, तो सपोज कि इसका जो वेट है इस पूरे अरेंजमेंट का, ये 20 ग्राम है। अब लेमन जूस को हम लोग दूध में डाल दिए, और दूध में डालने के बाद जो भी केमिकल रिएक्शन होना था वो हो गया। अब इस पूरे सिस्टम को फिर से नापेंगे, बॉटल को, सिरिंज को, दूध को, लेमन जूस, सबको फिर से नापेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि अगर पहले 20 ग्राम था तो इसका वेट भी कितना ही आएगा, 20 ग्राम ही जो है आएगा। लेकिन ये आपको तभी 20 ग्राम सही मिलेगा, करेक्ट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ओनली इफ द वेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज एक्यूरेट एंड मेजर करेक्टली। आप जिस वेटिंग मशीन से नाप रहे हो अगर वो एकदम सही है, परफेक्ट है, तभी ये आपको जो है देखने को जो है मिलेगा, ठीक है। इन द स्टडी ऑफ मेनी अदर केमिकल रिएक्शन इट वॉज अगेन फाउंड दैट सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। बाद में और भी बहुत सारे हमने एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट में बार बार हमें यही कंक्लूजन मिला कि जितने भी रिएक्टेंट्स थे, सारे रिएक्टेंट्स के मास का जो समेशन है, वो सारे प्रोडक्ट के मास के समेशन के क्या होता है, बराबर जो है होता है। दिस अंडरस्टैंडिंग वॉज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ लॉ, और इसी को हमने अपने स्टडी को एक लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है किसी भी चीज का मास ना तो क्रिएट, ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस वॉज गिवन बाई द फॉर्मुलेटेड बाई द लेवोजियर, और इसी लेवोजियर को हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है हम लोग इसको बोलते हैं। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर ने बताया कि सारे रिएक्टेंट का मास का समेशन वो हमेशा इक्वल होगा सारे प्रोडक्ट के मास के समेशन के, ठीक है। इस वीडियो में यही तक देखेंगे, आपको जो भी सजेशन देना होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा एक और चीज़ एक लास्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। एक जो है ओपी पटेल शॉर्ट्स करके जो है एक चैनल हमने बनाया है आपके लिए, ताकि हम लोग उसको क्या कर सकें, आप तक जो है शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से और अलग अलग टाइप के नॉलेज जो है आपको विद इन अ मिनट आपको प्रोवाइड कर सकें। तो आप जाके उसको क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, देख सकते हो। मैं आपको चैनल का लिंक जो है यहाँ पर आपको प्रोवाइड जो है करा